No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-team Commerce Academy brings you next-level A-CCA lectures. You deserve. से incomplete records. Incomplete records के अंदर बिल्कुल class 11th वाले छोटे-बड़े concepts होते हैं उनी का इस्तेमाल होता है और क्वेश्चंस में वैरायटी भी लिमिटेड रहती है. और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कोई बाई चांस नया क्वेश्चन बनता है तो उसे भी समझना मुश्किल नहीं होता बिकॉज वही बेसिक्स हर जगह अप्लाई होते हैं देखिए यहाँ पर एसेंशली फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो शुरू शुरू में हमने पढ़ी थी उसके बेस पर कुछ सवाल आ सकते हैं कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है और क्वेश्चन कर लेंगे लेजर रिसिबल्स पेबल्स के जो लेजर हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं मिसिंग फिगर आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है तीसरा है मार्कअप और मार्जिन आई एम सरप्राइज कि स्टूडेंट्स अभी भी इस कैलकुलेशन के अंदर कन्फ्यूज होते हैं तो ये लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा इसके बाद मार्जिन और मार्कअप के अंदर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी दैट आई प्रॉमिस और आखिरी चीज़ यहाँ पर आखिरी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ एक दो सवाल और देखेंगे जिनके अंदर कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं है बट ये सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं सो so, कैश या बैंक समरीज के बेसिस पे आपको कुछ मिसिंग फिगर या फिर एक पर्टिकुलर केस में मिसिंग इन्वेंट्री कितनी निकालने बोला जा सकता है ये कुछ एक सवाल करेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश ठीक है जी सो लेट्स मूव ऑन एंड क्विकली सी अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिक इक्वेशन हमें शुरू से पता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कैपिटल को अब हम इक्विटी कहते हैं कैपिटल बोल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है so, सो अब ये बेसिक रिलेशन में दो आइटम हमारे पास हैं तो तीसरा निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है एक और बात जो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ अगर असेट्स इक्विटी लाइबिलिटीज़ इनमें से जो भी दो आइटम दे रखे हैं दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा जैसे एसेट लाइबिलिटी दे रखा है दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है तो इक्विटी जो निकल करके आएगी दैट विल बेसिकली बी क्लोजिंग इक्विटी और अगर असट लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और इक्विटी आप आ, 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 जो भी बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं इक्विटी का दैट इज़ ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी ओपनिंग बैलेंस ठीक है जी यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर रहे हैं इक्विटी के कुछ कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं उनमें से किसी कंपोनेंट को आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है कई बार रिटेन अर्निंग निकालने के लिए बोला जा सकता है अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग दे रखा है और आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल सकते हैं तो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस की जानकारी हो सकती है एंड बिकॉज ऑफ दिस कई बार इसी इक्वेशन को एक्सपांड करना पड़ता है जिसमें इक्विटी की बजाय शेयर कैपिटल रिटेंड अर्निंग और अदर रिजर्वस आ सकते हैं अदर रिजर्व्स कौन से होते हैं जैसे रीवाल्यूएशन रिजर्व हो जाता है है ना अगर क्वेश्चन में दिया है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे आता नहीं कि वो क्वेश्चन भी खास कॉम्प्लेक्स होगा नहीं बट एनी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू शुरू में भी हमने डिस्कस किया था जो हमारा रिटेन अर्निंग्स होता है विच इज़ एक्विलेटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स को करंट ईयर के प्रॉफिट से आप बढ़ा सकते हैं ठीक है ना और करंट ईयर में लॉस हुआ है तो घटा सकते हैं और करंट ईयर में अगर आपने डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है तो ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं मतलब फार्मूला भी नहीं बोलूंगा और ना ही मैं आपको रटने के लिए बोलूँगा बिकॉज दिस अ वेरी सिंपल एंड बेसिक कंसेप्चुअल थिंग्स वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ़ मैंने कहा यह चीज़ें मैं आपको बता दूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो तुरंत आप इन चीज़ों को रेफर कर पाएंगे ठीक है फटाफट से एक क्वेश्चन करके देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ यूर गोइंग टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट देखिए पहला सवाल है इसके अंदर वो आपको कह रहे हैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वो कह रहे हैं जी X4 यानी कि साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया गया है वो निकाल करके बता दें ठीक है अब वो कह रहे हैं वॉन्डर कीप्स नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और छोटा मोटा बिजनेस होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रख रहे होंगे बट कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे दें वो कह रहे हैं है जी मेरे पास जो नेट एसेट्स हैं साल के शुरुआत में वो टू वन जीरो ट्रिपल जीरो के हैं नेट एसेट्स क्या होता है नेट एसेट्स इज बेसिकली नथिंग बट योर कैपिटल राइट क्योंकि टोटल असेट्स में से अगर आप लाइविलिटीज को हटाते हैं तो नेट असेट्स निकल के आता है विच बेसिकली इज़ योर कैपिटल ओनी तो नेट असेट्स लिखा है तो कन्फ्यूज़ ना हो वो कैपिटल ही है तो ओपनिंग कैपिटल आपकी दे रखी है उसमें से ड्राइंग्स कितनी हैं ये बता रखी है इस साल कितनी कैपिटल लेकर के आए हैं वो आपको बता रखा है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट असेट्स कितना है ठीक है सो कैपिटल इन सब चीज़ों की वजह एक ही ट्रांजेक्शन बचता है राइट right? कैपिटल में प्रॉफ़िट की वजह से या तो कैपिटल बढ़ेगी लॉस की वजह से या तो कैपिटल घटेगी ठीक है ना सो दैट इज़ दी ओनली आइटम दैट इज मिसिंग हियर है ना तो so, आप सिंपली देखें हम ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे प्रॉफिट हमें पता नहीं है कैपिटल uh, इंट्रोड्यूस्ड uh, को भी ऐड कर देंगे बिकॉज उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है ड्राॅइंग्स को माइनस कर देंगे 48,000 की ड्राइंग्स दे रखी है उसे माइनस कर देंगे एंड हमारा क्लोजिंग नेट नेटेसेट्स या क्लोजिंग कैपिटल निकल के आना चाहिए विच इज़ फोर ठीक है सारे फिगर्स को दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो प्रॉफिट हमारा वन का निकल करके आ जाएगा ठीक है लिटरली इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं कोई भी एक फिगर मिसिंग होगा और वो हमें निकालना होता है लेजर के अंदर भी आपको अलग अलग लेजर्स दिए जा सकते हैं जिसमें से कोई एक मिसिंग फिगर निकालने के लिए बोला जा सकता है जैसे रिसिवल्स के अंदर आपको क्रेडिट सेल्स या फिर मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के लिए बोला जा सकता है पेबल्स के अंदर क्रेडिट परचेजेस या मनी पेड टू पेबल्स निकालने के लिए बोला जा सकता है कैश एट बैंक के आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हो सकते हैं जिसमें आपको ड्राइंग्स या मनी स्टोलन निकालने के लिए बोला जा सकता है कैश इन हैंड के अंदर आपको कैश सेल्स या कैश स्टोलन निकालने के लिए बोला जा सकता है फटाफट -फड़ से क्वेश्चन करते हैं एक दो और समझते हैं कि किस तरह से ये सवाल होते हैं ठीक है अब क्या है कि अब आ, आ, लेजर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि रिसिबल्स पेबल का लेजर कैसा बनता है कैश एड बैंक और कैश इन हैंड का बैंक का लेजर कैसा बनता है वी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दैट ठीक है लेजर भी आना चाहिए इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसके अंदर एक लेजर भी होगा ठीक है चलिए पहला सवाल देखें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये सवाल के अंदर ये एक सोल ट्रेडर है जो ठीक से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहा है सवाल में रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर परचेजेस के नाम से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जाएगा ये आप निकाल करके बताएं ठीक है आप बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा वो कैसे निकालना इन्फॉर्मेशन देखते हैं और फिर आ, आ, पता करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर क्रेडिट पेबल से रिलेटेड यानी कि क्रेडिटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट परचेज की एंट्रियाँ आती हैं ठीक है सो वी आर अज्यूमिंग दैट क्रेडिट परचेज शायद मिसिंग फिगर होगा बाकी सही चीज सारी चीज़ों को अगर आप सही जगह प्लेस करेंगे यू शुड गेट एन आंसर तो पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे प्लस और माइनस से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड देन फिर लेजर में कौन सी आइटम डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड ये भी देख लेते हैं ठीक है जी देखें यहाँ पर वो कह रहे जी कैश पेड टू सप्लायर तो जब यह सप्लायर को हम कैश पे करते हैं तो आ, 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 पेमेंट की वजह से आपका जो पेबल है वो कम हो जाता है वैसे ही अगर क, अगर आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है उससे भी सप्लायर आपका कम हो जाता है एक और बात कही है इन्होंने कहा कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर हु इज़ आल्सो ए सप्लायर यानी कि एक पार्टी है जो आपका कस्टमर भी है आपको आप उसे कुछ माल बेचते भी हैं और कुछ अलग टाइप का माल आप उससे ख़रीदते भी हैं तो आप ऑफसेट कर रहे हैं ऑफसेट करने का मतलब होता है कि कैंसिल करना इस केस के अंदर ट्रेड पेबल्स और ट्रेड डिसबल्स दोनों ही कम होते हैं और इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं टू थाउजेंड से एंट्री हो रही है इसके अलावा आपको क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज भी दे करके रखे हुए हैं ठीक है so, सो टू थाउजेंड से भी हमारा कम होगा अब ओपनिंग बैलेंस जो शुरुआती हमारा बैलेंस होता है ये ट्रेड पेबल्स की क्रेडिट साइड पे आता है ठीक है और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ये डेबिट साइड पे आता है तो डेबिट साइड पे आप वही आइटम्स लिखते हैं जो पेबल्स को कम करता है ठीक so, है सो ऑल वी हैव टू डू डेबिट साइड की जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी कौन सी हैं जो पेबल्स को कम करती हैं इंक्लूजिंग इंक्लूडिंग दी क्लोजिंग स्टॉक उन्हें हमें ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग बैलेंस को आप अगर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा क्रेडिट परचेज का ठीक है सो देखें एटी फोर थाउजेंड डेबिट साइड के अंदर आ रहा है 2000 कम कर रहा है इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है 2960 थाउजेंड नाइन एंड द कैश पेड टू सप्लाइज थ्री ये सब हमने चीज़ें डिस्कस करी थी कि ये पेबल्स को कम करती हैं एंड कम करने वाली साइड के अंदर ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आता है तो ये देखिए डेबिट साइड आप देखें आंसर नीचे लिखा हुआ है क्लियरली कि डेबिट साइड की आइटम्स हैं है ना और क्रेडिट साइड की आइटम आप माइनस करते हैं जो थ्री थ्री वन सेवन सिक्स जीरो का जो आपका अमाउंट निकल के आ रहा है ये भी कौन सा आइटम है ये भी क्रेडिट साइड वाला ही आइटम है ठीक है एंड दिस बेसिकली इज़ योर परचेज इज लेजर तो अगर आप लेजर बनाते तो जो येल्लो के अंदर आइटम्स हैं वो सारी डेबिट साइड पर लिखते थे और जो ग्रीन के अंदर आइटम है वो सब राइट साइड में लिखते थे क्रेडिट साइड में लिखते थे एंड देन योर बैलेंसिंग फिगर वुड बी दी अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस ठीक है so, सो दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली सो यू कैन फॉलो ईदर मैथड जस्ट वट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग जस्ट प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर ठीक है ना चलें अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं मार्कअप और मार्जिन बड़े सिंपल से मैथड्स हैं एक बार क्लैरिटी ले लें और ये जो नोट्स मैंने डायग्राम बना के रखा है ना ये आप भी नोट कर लें सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर वॉट मीन्स वाट मार्कअप का मर, मतलब हमेशा होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाना वाला ग्रॉस मार्जिन है ना ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जब आपको दे के रखा है तो आप समझ जाएं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट किया जा रहा है ठीक है अब इसे कैलकुलेशन के अंदर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है ठीक है तो वो मैं आपको आज फाइनली हेल्प करने आया हूँ जिसके अंदर अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन होनी चाहिए बड़ा सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है तो आपको कॉस्ट का फिगर चाहिए चाहिए ना या तो वो कॉस्ट का फिगर आपको दे रखा होगा और अगर कॉस्ट का फिगर नहीं दे रखा है सेल्स का फिगर दे रखा है तो वो सेल्स के फिगर को आपको सेल्स के इक्विवेलेंट अमाउंट से डिवाइड करना है मैं क्या बोल रहा हूँ सेल्स के फिगर को सेल्स इक्विवेलेंट अमाउंट से डिवाइड करना है ठीक है सर ये क्या है सेल्स इक्विवेलेंट देखें लॉजिक देखें लॉजिक नीचे लॉजिक लिखा है ना लॉजिक देखें भाई जैसे आपको मार्कअप दे रखा है ठीक है तो आप अज्यूम करके चलो कि कॉस्ट हमारा वन हंड्रेड डॉलर्स है है ना लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ट्वेंटी डॉलर्स हो गया ठीक है सेल्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स दैट बेसिकली मीन्स द सेल्स शुड बी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है अब आपको अगर मार्कअप दे रखा है और मार्कअप में कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया तो उसे कॉस्ट के फिगर से यानी कि हंड्रेड से डिवाइड करेंगे ठीक है और अगर कॉस्ट नहीं दे रखा सेल्स दे रखा है तो उसे सेल्स के फिगर से डिवाइड करेंगे दैट बेसिकली मीन्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है हंड्रेड प्लस द रेट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट ठीक है तो मेथड फॉर्मूला कुछ भी यूज कर रह, कर रहे हो आप आपको केवल कॉस्ट या सेल्स का इक्वलेंट अमाउंट निकालना आना चाहिए ठीक है तो जब आपको मार्कअप दे रखा है तो कॉस्ट को 100 मान लो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकल के आ रहा है उसमें आप ऐड कर दोगे तो सेल्स निकल आएगा तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखा है तो उसे डिवाइड करेंगे कॉस्ट के इक्विवेलेंट अमाउंट से और सेल्स दे रखा है तो डिवाइड करेंगे सेल्स के इक्विवेलेंट अमाउंट से इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके हम देखेंगे वैसे ही अगर आपको मार्जिन दे रखा है तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट और सेल्स का इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना होगा बट मार्जिन के केस में आप शुरुआत करेंगे सेल्स से यानी कि सेल्स को आप हंड्रेड मानेंगे और लेट्स से कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर भी 20 परसेंट है तो हमने 20 डॉलर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया वंस दैट इज डन तो कॉस्ट का इक्विलेंट अमाउंट निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे ये तो पता है ना तो कॉस्ट का इक्विलेंट अमाउंट यहाँ पर एटी डॉलर निकल करके आ गया ठीक है एंड दैट बेसिकली मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स देकर रखा है तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई हंड्रेड आप कर देंगे ठीक है क्योंकि सेल्स हमने यहाँ हंड्रेड माना है और वैसे ही अगर आपको कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट का इक्विवेलेंट अमाउंट नीचे होना चाहिए विच बेसिकली मीन्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 80 डॉलर्स विच वी कैलकुलेटेड 100 माइनस क्रॉस प्रॉफिट ठीक है तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना है है ना सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्कअप है कि मार्जिन है ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट अमाउंट्स आप निकाल लें कॉस्ट के और सेल्स के है ना देन डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है या सेल्स दिया है यू आर गोइंग टू यूज़ दोज इक्विवेलेंट अमाउंट्स एज डिनोमिनेटर्स ठीक है और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज तो हमारा सेम ही रहेगा ठीक है इसको अप्लाई करके देखें एक बार चलो देखते हैं दो बार अप्लाई करके देखें ठीक है ना एक बार अप्लाई नहीं करेंगे दो बार करेंगे देखें ये सवाल वो कह रहे हैं कि एक बिजनेस की आपको इन्फॉर्मेशन देकर रखी है ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है परचेज दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है वो कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है परसेंटेज ऑफ सेल्स है यानी कि यहाँ मार्जिन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है मार्जिन के अंदर सेल्स को आप 100 मानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमारा 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 40 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो वन माइनस फोर्टी राइट यानी कि सिक्सटी हमारा यहाँ पर कॉस्ट निकल करके आ जाएगा ठीक है अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें सेल्स दे रखा है कि कॉस्ट दे रखा है जिसके बेसिस पे हम डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए या 60 होना चाहिए ये डिसाइड करेंगे सो so क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है सो ये सिंपली गोइंग टू यूज सिक्सटी एज अ डिनोमिनेटर ठीक है क्योंकि हमने इक्वेलेंट अमाउंट इनिशियली ही निकाल लिया तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी निकल के आ रही है नाइन फाइव टू फाइव डबल ज़ीरो सवाल में वो पूछ रहे हैं जी इस साल का सेल्स कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है तो सेल्स कितना है ये निकाल करके बताएं ठीक है सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं नाइन फाइव टू फाइव डबल ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी है five five zero, 40, 60. ना क्योंकि हमारे पास कॉस्ट का फिगर है और इस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स में आप कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे तो आपका सेल्स निकल करके आ जाएगा इसका एक शॉर्टकट भी है क्योंकि सेल्स का इक्विवेलेंट अमाउंट 100 है और कॉस्ट का इक्विवेलेंट अमाउंट 60 है तो सिंपली कॉस्ट को डिवाइड कर दें कॉस्ट के इक्विवेलेंट अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो यू विल डायरेक्टली गेट सेल्स एक बार कैलकुलेट करके देख लेना और मुझे बताना डायरेक्टली आ रहा है क्या अमाउंट ठीक है तो आप देखें कितना सिंपल है यहाँ पर भी हमने सबसे पहले देखा कि परसेंटेज ऑन सेल्स है यानी मार्जिन है तो हम सेल्स को 100 रख रहे थे और सेल्स अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट हमारी कम ही आती है तो 100 में से 40 माइनस करने पे हम कॉस्ट पे आएंगे फिर हमने क्वेश्चन में देखा कि क्योंकि कॉस्ट दे रखा है तो डिनोमिनेटर के अंदर हम 100 नहीं 60 का इस्तेमाल करेंगे एंड दैट्स इट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 31 अक्टूबर x3 को आग लगी है और जिससे इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय होगी। गई सो यहाँ पर इन्वेंट्री लॉस्ट कितनी हुई है ये आपको निकालना है इन्वेंट्री लॉस्ट होने के बाद वो कह रहे हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी है जिसमें सेल्स है कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड उसमें से माइनस कर रहे हैं और ग्रॉस प्रॉफिट आपका फाइव थ्री जीरो फाइव जीरो निकल के आ रहा है और वो कह रहे हैं जी आप तो हमें ये बता दो कि आग लगने की वजह से इन्वेंट्री कितनी डिस्ट्रॉय हुई है ऑब्वियसली आग लगने के बाद ये बनाया जा रहा है दैट मीन्स कि जो भी माल बेचा गया है वो हंड्रेड प्लस फिफ्टी पर बेचा गया है राइट right? एंड इस हिसाब से आप कॉस्ट का यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फिगर ठीक है और उसे हम अपने एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं प्लीज़ रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर होता है वो कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड को कम करता है ठीक है तो हमारे हिसाब से जितना माल हमने बेचा है यानी कि टू एट वन टू फाइव ज़ीरो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम निकालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके अंदर ज़रूर डिफरेंस आएगा अगर आग लगने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो लेट्स फाइंड आउट आप देखें यहाँ पर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए पहले तो ये निकालना है 281250 हमें सेल्स का फिगर दिया है तो डिनोमिनेटर में भी सेल्स का इक्विवेलेंट होना चाहिए विच इज़ 150 इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्यों क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना हमें कॉस्ट का फिगर निकालना है ठीक है एंड आर आंसर इज़ वन एट सेवन फाइव डबल जीरो यानी कि इन्होंने कहा है कि टू टू एट टू डबल जीरो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होना चाहिए जबकि असल में वन एट सेवन फाइव डबल जीरो है और ये जो डिफरेंस है ये इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्री आग से डिस्ट्रॉय हो गई थी ओके एंड द आंसर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू यानी कि फोर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो ये इन्वेंट्री लॉस्ट का भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया बिकॉज आपको लॉजिक समझना समझ में आना चाहिए कि इन्वेंट्री लॉस्ट का लॉजिक क्या है ठीक है और यहाँ पर हमने दोबारा से एक बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लिया है ना मार्जिन मार्कअप वाला ओके चलें फाइनली एक सवाल मैं यहाँ पर और कर देना चाहता हूँ कैश समरी यानी कि आपको कुछ आ, आ, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन दे रखा होगा जिसके बेसिस पे आपको एक मिसिंग फिगर निकालना होगा ठीक है ऐसे भी सवाल आ सकते हैं देखें वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्फा जो है एक सोल ट्रेडर है और आपने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा है बैंक स्टेटमेंट आ, देख करके आपको आ, आ, ये बताना है कि इनका सेल्स फिगर कितना है ठीक है ऑब्वियसली इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी बैंक और कैश समरी जो अल्फा ने आपको प्रोवाइड करी है उसमें लिखा है कि जो उधार के कस्टमर्स से, उनसे हमको पैसा आया और वो पैसा जो है बैंक स्टेटमेंट के अंदर जमा हो गया दैट वॉज थ्री एट वन सिक्स डबल ज़ीरो वैसे ही वो कह रहे हैं एक्सपेंस पेड आउट इन कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स बिफोर बैंकिंग वो कहते हैं पैसा आया तो था बट उसे हमने खर्चे में लगा दिया था बैंक में जमा नहीं किया था दैट वाज सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड और साथ ही साथ में आपको कैश सेल्स का फिगर दे करके रखा हुआ है फिर वो कह रहे हैं कि इर रिकवरेबल डेट यानी कि जिन्हें हमने माल बेचा तो था बट सात हज़ार दो सौ जो है उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए है ना तो बेचा होगा तभी तो पैसे नहीं मिले राइट सो दैट बेसिकली मीन्स अब ये कह रहे हैं कि इसने साल इसी साल में बिज़नेस शुरू किया तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं और ट्रेड डिसबल का क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा यहाँ जीरो दे करके रखा हुआ है सो यू सिंपली हैव टू एड ऑल द फिगर्स आइटम नंबर वन थ्री एट वन सिक्स डबल ज़ीरो उधार पर माल बेचा था और जैसे ही पैसे आए बैंक में जमा कर दिया यानी कि उधार में माल बेचा होगा तो ही तो पैसे आए वैसे ही छः हज़ार आठ सौ पैसे आए तो सही बैंक में जमा करने बजाय हमने खर्चा कर दिया राइट दिस शुड ऑल्सो भी एडेड कैश सेल्स ऑब्वियसली नीड्स टू बी एडेड बिकॉज टोटल सेल्स हमसे मांगा जा रहा है एंड इन रिकवरेबल डेट्स यानी कि वो पैसे जो हमें अब नहीं रिकवर हो सकते बैड डेट्स हो गए हैं वो भी तो बेचा होगा तो ही तो बाद में बैड डेट्स हो रहे हैं इन सब को ऐड किया तो हमें हमारा सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी फाइव जीरो एट फाइव डबल जीरो ठीक है तो आ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं <laughs> इसमें जितना भी टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा आपको ऐसा लगेगा सर जान पूछ के आसान सवाल ले हैं बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें कितनी भी कोशिश कर लो मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड एंड सी वॉट यू कैन हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व दीज आंसर्स ठीक है इनफैक्ट ए टी एम कॉमर्स अकेडमी पर हम नए नोट्स बना रहे हैं नो जो ना ही आपको काफलान में मिलेंगे ना ही बी में मिलेंगे कहीं नहीं मिलने वाले वे आर मेकिंग सम न्यू नोट्स फॉर यू टू प्रैक्टिस बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कोई बहुत ही निराले टाइप का सवाल नहीं बन सकता है पॉसिबल ही नहीं है ठीक है एनी वेज विद दैट नोट हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में